अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करते हैं बैनुल अक्वामी मंजरनामे से अहम वाकयात की तरतीबो तफसील। चीन सदी का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल चैलेंज है अमरीकी सेक्रेटरी स्टेट जो बाइडेन इंतजामिया, मौसमियाती तब्दीली और कोरोना समेत दीगर दरपेश मसाइल पर दुनिया के साथ तावन पर तवज्जो देगी। बर्टमैन तुर्की का अमरीका से ईरान पर आयद पाबंदियां खत्म करने का मुतालिबा। सऊदी अरब ने हौसी बागियों का एक और मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। अफगानिस्तान में मुसल्ला अफराद की फायरिंग से 7 अफराद हलाक। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहिरों पर फायरिंग से 38 अफराद हलाक। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के कर्नल और दो एहलकारों ने खुदकुशी कर ली। बुलेटिन में यहाँ शामिल करते हैं पाकिस्तान के मंजरनामे से अहम वाकयात की तरतीबो तफसील। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट में बिकने वालों को बचा लिया। इक्तदार में रहो या ना रहो, मुल्क लूटने वालों से लड़ता रहूंगा, कौम से खिताब। एक हफ्ते में कोरोना वायरस के केसेस 30% बढ़ने से खतरे की घंटी बज गई। पीएमए ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वायरस की तीसरी लहर के इम्कानात से बचने के लिए फौरी तौर पर पाबंदियां आयद की जाएं। हुकूमत ने आईएमएफ माहदे के तहत इस्लाहात के लिए 84 सरकारी कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया। 2025 तक 44 रियासती इदारों की निजकारी की जाएगी। पीटीआई के दो अरकान ने सिंध असेंबली को शो कॉज नोटिसेस जारी। बिलावल भुट्टो सरदारी को शहबाज शरीफ से मिलने से रोक दिया गया। और आइए नाज़रीन, अब यहाँ बुलेटिन में शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया से अहम खबरें। गुज़िश्ता हफ्ते ज़रे मुबादला ज़खायर में 9,19,00,000 डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड। डॉलर की तनाजुली का सिलसिला रुक गया। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का 3,00,000 मैट्रिक टन गंदुम दरामद करने का फैसला। और आइए नाज़रीन, अब यहाँ बुलेटिन में शामिल करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया से अहम खबरें। आप डेस्कटॉप से व्हाट्सएप ऑडियो और वीडियो कॉल करना मुमकिन। और आइए नाज़रीन, अब आपको लिए चलते हैं अजीबोगरीब खबरों की दुनिया में। दो जजीरों में 3.8 किलोमीटर फासला, लेकिन 20 घंटे वक्त का फर्क। और आइए नाज़रीन, अब आपको लिए चलते हैं हेल्थ वर्ल्ड में। कोरोना वायरस दिल के खुलियों को भी हलाक करता है। और आइए नाज़रीन, अब आपको लिए चलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में। फिल्म के जाली पोस्टर के खिलाफ सुनील सेठी थाने पहुंच गए। शाहरुख खान जोरू के गुलाम निकले। और आइए नाज़रीन, अब यहाँ खबरों के इख्तिताम पर आपके लिए चलते हैं खेलों की दुनिया में। कोई जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं, वसीम ने इस्तीफे का सवाल गोल कर दिया। पीएसएल की कोरोना कहानी का अफसोसनाक इख्तिताम। पीएसएल मैचेस मुलतवी, टिकटों की रीफंडिंग का तरीकेकार तय कर लिया गया। यकीन है PSL 6 के बाकी मैचेस मुकम्मल कर लिए जाएंगे, वसीम खान। के साथ ही अब तक की देसी टीवी यूएसए से खबरों का वक्त यहाँ खत्म हो जाता है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए देसी टीवी यूएसए।